खंड तोल मस्तक के झुंड बात जंग की घड़ी की तुम हार दो हार मान शान क्या जान खाओ दान वाजे धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है वश नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड तोल मस्तकों के झुंड बात जंग की घड़ी की तुम हार दो हार मान शान या जान खाओ दान बाजे धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड सभी ग्राम में और सामान्य शिक्षकगण एवं मेरे भाई और बहनों सभी को शुभ संध्या एवं आज के इस कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। आज है 26 जुलाई 2024। आज से ठीक 26 साल पहले 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग छिड़ गया था जिसको हम आज कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। उस युद्ध में हमारे भारत के बहुत सारे वीर जवान शहीद हो गए थे और बहुत सारे बुरी तरह घायल हुए। अगर हम इस कारगिल युद्ध के इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हमें उन वीर जवानों के कैसे अपने बलिदान दिए हैं देश के लिए उसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। तो मैं आज कारगिल युद्ध के बारे में उसका इतिहास को आपके आगे संक्षिप्त में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा आज से ठीक 26 साल पहले। तो ये बात है 3 मई 1999 की, जब एक सफर जिसका नाम था तासी नाम गयाल, वो अपना एक याक खो दिया था जिसको ढूंढने के लिए वो इधर उधर दूर दूर तक देख रहा था। तभी उसे कुछ सैनिक जो कि फुली आर्म थे, उनके पास गन वन सब था, वो बंकर खोद रहे थे। तो उसे शक हुआ कि कहीं वो पाकिस्तान से आए होंगे और जाके पास के ही एक मिलिट्री पोस्ट में कंप्लेंट दर्ज कर दी। तो उसके ऊपर तुरंत जांच पड़ताल शुरू हो गई और बाद में यह पता चला कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही सटीक था, वो लोग पाकिस्तान से ही आए थे और ये एक प्री प्लान्ड अटैक था। उनका मेन मोटिव यह था कि जो एक नेशनल हाईवे है 1A जो कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है उसको तोड़ना था उनका मेन मोटिव। जब तक इंडियन आर्मी के को उनके बारे में भनक तक लगा तब तक कुल 130 के आसपास इंडियन आर्मी के पोस्ट वो लोग कब्जा कर चुके थे। तो उस समय हमारे एयरफोर्स के मिलिट्री जनरल थे वेद प्रसाद मल्लिक, जब वो वहाँ से निकलने का प्रयास करते ऊपर से ओपन फायरिंग शुरू हो जाती तो उनको रेस्क्यू करने और ये मिशन को पूरा करने
हार गए रविंद्रनाथ अपने एक 90 सोल्जर 90 सिपाहियों के एक स्वीकार करकर प्लेटून के साथ ऊपर चढ़ाई कर दी। उन लोगों को रेस्क्यू, बाकी सोल्जर को रेस्क्यू की और ऊपर जाकर लड़ाई हुआ। उसके बाद उन्होंने भी कैप्चर हो गया। ये कारगिल युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन आर्मी के लिए। उसके बाद एक और था 0.5140 जिसमें विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट अनुज नय्यर को नेतृत्व में एक दो प्लाटून गए। तो उधर बहुत आसानी से ही जीत हासिल हो गई। लेकिन जब विक्रम बत्रा को एक और हिल में नेतृत्व में अपने एक प्लाटून को ले गए तब तो उधर भी सक्सेस मिल गई। लेकिन एक और लेफ्टिनेंट जिनको एक पैर खो दिए थे एक बॉम्ब ब्लास्टिंग के द्वारा बाद, उनको बचाने के लिए जब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जो वीर विक्रम बत्रा, अपने लिए मनाते हैं कारगिल विजय दिवस कि हम सबके हृदय में हमारे देश प्रति एक प्रेम जागृत हो ताकि हम भी बड़े होकर हमारे देश लिए कुछ करें, कुछ हमारा योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय, भारत माता के जय, कारगिल विजय दिवस अमर रहे, कारगिल विजय दिवस अमर रहे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय।